आज हम लोग देखेंगे कि ज्योग्राफी को कैसे पढ़ना है, यानी कि ज्योग्राफी को पढ़ने की बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और हम लोग कैसे ज्योग्राफी को कवर करेंगे। ओके, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टास्क नंबर 0 है, तो बहुत से लोग समझ गए होंगे कि आज मैंने यहाँ पर टास्क नंबर 0 क्यों लिखा है, और कुछ लोग अगर नहीं समझ पाए हैं उन्हें आगे चल के अभी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर टास्क नंबर 0 क्यों लिखा हुआ है। और दोस्तों, हम लोगों ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जो 1 ईयर का है, जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए आपको कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप इस प्रोग्राम के बारे में A to Z जानकारी ले सकते हैं। और इसमें हम लोग टारगेट करेंगे प्रीलिम्स 2021 और 2022। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूँ, आज मेरी आवाज़ तो आप लोगों को कम आ सकती है, क्योंकि 2-3 दिन से मेरी काफ़ी तबीयत बेकार है। मेरी आज रात में 2-3 बार वॉमिटिंग भी हो चुकी है, इसलिए ये वीडियो भी एक दिन लेट हो गई है। लेकिन मैं एडिटिंग के वक्त अपनी वॉइस थोड़ी हाई करने की कोशिश करूँगा, जिससे आप लोगों को साउंड प्रॉपरली सुनाई पड़ सके। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वीडियो को, जिसमें मैंने टोटली इन्फॉर्मेशन दी है, इसको आप लोग देख सकते हैं। और आपने इतना सारा प्यार दिया, इतने सारे लाइक्स दिए, तो ये मुझे काफ़ी मोटिवेट करते हैं दोस्तों। और आपने इतने सारे प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, यही मुझे दोस्तों मोटिवेट करते हैं। और मेरी तबीयत बेकार होने के बावजूद भी आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आप लोगों ने इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया है और इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है। अधिकांश लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया, अगर आप लोगों ने भी अभी फॉर्म फिल नहीं किया तो आप लोग कर सकते हैं इसके लिए। और ये देखिए, आप जिन लोगों ने भी कमेंट किया है, तो उनके लिए मैं दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूँ दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं, जैसे इस प्रोग्राम में हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अगस्त में हम लोग ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट है, इसकी सारी NCERT कवर करेंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको बताऊंगा कि ज्योग्राफी को कैसे पढ़ना है और हम लोग ज्योग्राफी को कैसे कवर करेंगे। अब देखिए, आप लोगों के मन में एक डाउट भी आता होगा। मैंने आपसे बोला था ना दोस्तों कि मैं आपके सारे डाउट्स वन बाई वन क्लियर करूंगा। आज आपका एक बहुत बड़ा डाउट मैं क्लियर करता हूँ। जैसे कि बहुत से स्टूडेंटों के मन में आता है कि हम लोग 6th, 7th, 8th की NCERT पढ़ें या ना पढ़ें, तो मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कि आप सारी NCERT पढ़िए। ये देखिए यहाँ पर कितना सिंपल मैं आपको बताता हूँ और सारा मैं फैक्चुअल बताऊँगा। ये देखिए, जैसे 6th क्लास की NCERT और 7th क्लास की NCERT है, 8th क्लास की NCERT है। ओके, इस 6th क्लास की NCERT और 7th क्लास की NCERT पढ़े ना पढ़े, इसमें आप लोग 30 घंटे बर्बाद तो कर ही देते होंगे, क्योंकि 10 लोगों से पूछते होंगे। आप इसके बारे में 10 से 15 घंटे भी बीच बीच में सोच लेते होंगे कि यार ये NCERT पढ़ूँ ना पढ़ूँ। आप 8-10 वीडियो भी देख लेते होंगे, लेकिन इससे अच्छा है कि आप देख सकते हैं कि एक दिन की तो बात है, आपको NCERT एक पढ़ना है तो एक दिन की बात है, तो पढ़ी क्यों ना लीजिए। 10 लोगों से पूछने से अच्छा है कि आप इस NCERT को पढ़ लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये NCERT मुझे पढ़नी चाहिए थी या नहीं पढ़नी चाहिए थी। तो आप लोग एक बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न मत होइए कि मुझे 6th, 7th, 8th की NCERT पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। हम लोग सारी NCERT कवर करेंगे 6th से लेकर के 12th तक की। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो हमारा मेन प्रोग्राम है और इसमें हम लोग ज्योग्राफी हमको कैसे पढ़ना है। तो आपको सबसे पहले क्या लेना है दोस्तों, NCERT लेना है। ओके, NCERT आपको कौन सी लेना है, 6th से लेकर के 12th तक की सारी NCERT लेना है। अगर आप लोग अभी लॉकडाउन में अगर NCERT नहीं ले पा रहे हैं, तो मैं सॉफ्ट कॉपी आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। इसके लिए आपको हमारे ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा, जो टेलीग्राम ग्रुप है। आप लोग व्हाट्सएप से बिल्कुल भी ना जुड़िए, आप सभी को टेलीग्राम से जुड़ना है। इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आपको सारी NCERT लेनी है 6th से लेकर के 12th तक की। और आपको क्या लेना है दोस्तों, इसके अलावा आपको एक एटलस लेना है। जब भी आप पढ़ाई करें, आपको अपने पास एक एटलस ज़रूर रखना है। और एटलस कौन सा ले सकते हैं आप, ओरिएंट ब्लैक स्वान का ले सकते हैं, या फिर आप जो ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस आता है वो आप ले सकते हैं। ओके, इसके अलावा आपको एक ब्लैंक मैप लेना पड़ेगा। ब्लैंक मैप आपको वर्ल्ड का भी लेना पड़ेगा और इंडिया का भी लेना पड़ेगा। आपके पास इतनी सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा आपके लिए A4 साइज़ के पेज चाहिए होंगे। अब आप क्या करना है दोस्तों, ये NCERT है, इस NCERT को आपको पढ़ना है। ओके, और इसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ओके, इसको पढ़ना है और इसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। मैं एडिटिंग के वक्त आपको दिखा दूंगा शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने, या फिर जब मैं फर्स्ट वीडियो डालूंगा तो उसमें मैं आपको शॉर्ट नोट्स बनाना सिखाऊंगा। ओके, तो आपको अभी इतना ही करना है। आप लोग NCERT अपनी तैयार रखिए और ये ब्लैंक मैप ले लीजिए। अगर अभी नहीं मिल रहे हैं तो आप लोग खुद पेंसिल ड्रॉ कर लीजिए 1-2, और साथ में एटलस रख लीजिए। ओके, तो आपको अब क्या करना है, इस NCERT को पढ़ना है। और आप लोग बताइए कि आपको वीडियो इस पर कम्प्लीटली कब चाहिए, यानी कि मॉर्निंग में चाहिए या फिर इवनिंग में चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जैसे टैक्स हमारा 6 अगस्त को हमारे 6th क्लास की NCERT है, तो आपको ये 1 दिन पहले वीडियो चाहिए
या फिर जब आप लोग इस एनसीईआरटी को पढ़ लेंगे उसके बाद आपको वीडियो चाहिए, ओके, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, मैं डेली आपको 5 से लेकर के दोस्तों आपको 10 लोकेशन दिया करूँगा, ओके। इन 10 लोकेशन को आपको मैप में खोजना है और इसमें आपको हाईलाइट करना है और इसके बाद इसमें आपको ड्रॉ करना है, ओके। आपको इतना काम करना है और इसी को करते करते आप दोस्तों जैसे हमारे 4 मंथ्स कंप्लीट होंगे आप देखेंगे आपको 700 से 800 ऐसी लोकेशन होंगी ना दोस्तों जो आपके माइंड में एकदम एकदम हिट करेंगे। अगर कोई पूछेगा तो आप उसी के थ्रू पता कर लेंगे, ओके। और इसी के थ्रू हम मैप के थ्रू ही हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, मैप के थ्रू हम जो हमारा ज्योग्राफी है, एनवायरनमेंट है, इसके अलावा जो हमारा करंट है वो भी इसी से रिवाइज करेंगे। आपका 30 से 40% अफर्ट है दोस्तों मैं इसी मैप से ही कम कर दूंगा, ओके। आपको कम से कम पढ़ के अधिक आउटपुट देने लगेंगे। और देखिए मैं यहाँ पर कुछ आपको इमेज दिखा दूंगा कि आपको किस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। आप लोगों को इस एनसीईआरटी से सब कुछ नहीं पढ़ना है, जो आपको डेफिनेशन की तरह लगे, जो इंपॉर्टेंट लगे उस पर ज़्यादा फोकस करना है, और जो स्टोरी की तरह हो उसको एकदम पढ़ के निकल जाना है, ओके, और उसी को नोट करना है। पर इस जो ज्योग्राफी जब भी आप पढ़ेंगे तो इसका यही मेथड होना चाहिए, आपको ये पढ़ना है और इसमें मैप में आपको उसको कनेक्ट करके देखना है कि कहाँ पर ये कनेक्ट हो रहा है, कहाँ पर इसकी लोकेशन दी रखी है, कहाँ पर क्या चीज़ है, ओके। और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो ब्लैंक मैप है उस पर प्रैक्टिस करते रहना है। और इसके अलावा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो लगाते रहने हैं, हमारे ग्रुप पर भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे तो आप वहाँ से भी लगा सकते हैं, ओके। तो इसी तरह से हम ज्योग्राफी को कवर करेंगे। ये ज्योग्राफी है ए और सब्जेक्टों का बेस का काम करेगी। मैं आपको एक सब्जेक्ट से दूसरा सब्जेक्ट कैसे लिंक होता है, जिससे अगर हम सब्जेक्टों को लिंक करके पढ़ेंगे तो हमारा जो इतना बड़ा सिलेबस है ये काफ़ी छोटा हो जाएगा और काफ़ी ईजी तरीके से हम सारा सिलेबस कवर कर पाएंगे और हम ज़्यादा आउटपुट दे पाएंगे कम पढ़ के भी, ओके। तो आप किसी भी चीज़ की टेंशन ना लीजिए। करंट अफेयर में आपको एटलस के थ्रू आपको पढ़ना सिखाऊंगा कि आपको एटलस के थ्रू कैसे बहुत ही आसानी से करंट अफेयर को कवर कर सकते हैं और सभी सब्जेक्टों को कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो 6 अगस्त को मिल जाएगी, उस वीडियो को आप लोग देखिए और आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। हम लोग इजी तरीके से 4 महीने में पूरा हमारा जो बेस है वो कवर कर लेंगे और इसी 4 महीने में आपके A to Z आपके जो डाउट्स हैं वो सारे 1 by 1 करके क्लियर कर दूंगा। एक साथ मैं सारे डाउट क्लियर नहीं करूंगा क्योंकि जब हम एक साथ सारी चीज़ें बना देते हैं, बता देते हैं तो वो हौज पौज हो जाती हैं, ओके। तो मैं आपको हल्के हल्के, क्योंकि हमारा काफ़ी लंबी जर्नी है तो आप लोग पेशेंस रखिए और जो मैं बताता हूँ वो करिए। इसके अलावा अगर आपको कुछ करना है तो आप 6 से 7 घंटे जो मैं बताता हूँ वो करिए, इसके अलावा आप कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों, ओके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस प्रोग्राम से जोड़ने की कोशिश करिए, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा और आप लोगों के लिए भी काफ़ी फ़ायदा होने वाला है इस प्रोग्राम में। चलिए तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और घर से ज़्यादा बाहर मत निकलिए, लॉकडाउन खुल चुका है, फिर भी घर पे रहने की कोशिश करिए दोस्तों, ओके।